सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री सर जी चैनल को और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए केमिस्ट्री के हर एक वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। पिछले हमने कुछ वीडियो में देख लिया है कि फिनोल है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग सिंथेसाइज कर रहे हैं, वही फिनोल की आज हमें देखनी है केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे जो फिनोल के केमिकल रिएक्शंस है वो दो टाइप्स की आपको मिलेगी। देखो फिनोल, तो फिनोल का जो स्ट्रक्चर है वो बेंजीन के ऊपर OH, तो फिनोल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होगी वो दो टाइप्स की होगी। फर्स्ट कि रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शंस। सेकंड रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग बेंजीन के कारण होने वाली रिएक्शन। तो यहाँ पे जो इसके रिएक्शन है वो 7 या 8 टाइप्स के रिएक्शन है, तो हम इसको दो लेक्चर में पढ़ लेंगे, तो आप दोनों वीडियो अच्छी तरह से देख लेना। तो आज हम ओनली बात करने वाले रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। OH ग्रुप के कारण होने वाली जो रिएक्शन है वो 4 टाइप की रिएक्शन है। तो पहले लिख देते रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। OH ग्रुप के कारण टोटली 4 टाइप्स की रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन, तो फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आते कि सॉल्ट कैसे बनता है। तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पे भी सेम होगा कि फिनोल है उसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो वीक एसिडिक है, तो वीक एसिड ये स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्ट होगा, यानी फिनोल OH प्लस NaOH ले लो या KOH भी ले सकते हो स्ट्रांग बेस। तो फिनोल जब NaOH के साथ रिएक्ट होगा तो रिएक्शन के ड्यूरिंग आपको पहले तो क्या मिलेगा, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो बेस OH- H+, यानी पहले देगा वो H2O, बाकी क्या बचा Na, तो आपको मिल जाएगा सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है ये, बेंजीन के ऊपर O Na। तो ये जो सॉल्ट है इसका नेम है सोडियम फिनोक्साइड, इसे कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। ये है बेंजीन के ऊपर O- फिनोक्साइड आयन है Na+, तो सोडियम, तो नेम हो गया सॉल्ट का सोडियम फिनोक्साइड। नाउ एक सेकंड रिएक्शन कि अगर फिनोल की रिएक्शन हम लोग वीक बेस लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में करते हैं तो यहां पे आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा, दोनों वीक है तो यहां पे रिएक्शन करना डिफिकल्ट है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों के अंदर रिएक्शन डज नॉट अकर, रिएक्शन नहीं होगा, वीक के साथ रिएक्शन नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो रिएक्शन होके सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। नाउ सेकंड रिएक्शन, तो सेकंड रिएक्शन भी इजी रिएक्शन है वैसे कि फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर। सेकंड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर। तो फिनाइल एस्टर हमने बनाना है, तो पहली चीज कि एस्टर का आपको फंक्शनल ग्रुप पता ही होगा, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOR। फिनाइल एस्टर यानी हमें फिनाइल रिंग के ऊपर ये चीज बनानी है, तो जो स्ट्रक्चर आपको बनाना है वो कुछ ऐसा बनाना है, बेंजीन के ऊपर COOR। तो यहां पे रिएक्शन के अंदर क्या होगा, तो फर्स्ट फिनोल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिनोल की केमिकल रिएक्शन से। तो फिनोल की रिएक्शन पहले तो NaOH के साथ हमें पता ही है, NaOH के साथ करेंगे तो -H2O, बाकी क्या मिलेगा अभी आगे ही देखा हमने,
ओएन, सोडियम फिनोक्साइड, अभी ये सोडियम फिनोक्साइड है, उसके रिएक्शन दो अलग अलग कंपाउंड, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के साथ में हम लोग करने वाले हैं। तो ये कंपाउंड आपको समझने हैं कौन से है। तो एक बार हम लोग ले रहे हैं एसिड क्लोराइड, RCOCl, ऐसे क्लोराइड, एंड सेकेंड टाइम हम लोग ले रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड, तो ये है RCO, ट्वाइस ओ, इसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो दोनों के साथ रिएक्शन होगी तब आपको फिनाइल एस्टर मिलेगा। तो देखते हैं कैसे मिलेगा। तो पहली चीज के सोडियम फिनोक्साइड में से सोडियम प्लस सीएल माइनस रिलीज करेगा NaCl, COR पूरा ऑक्सीजन के पास आएगा, यानी बेंजीन के ऊपर O फिर COR, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं COR। ये अपना हो गया फिनाइल एस्टर, ये हो गया फिनाइल एस्टर। सेम एज यहां पे भी सेम ही रिएक्शन, बट यहां पे जो बाय प्रोडक्ट है वो कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो बाय प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि RCO दो टाइम से, RCO ट्वाइस फिर ऑक्सीजन। तो एसिड एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा आपको। तो यहां पे आपको कोई भी एक बॉन्ड क्लीवेज करना है, सी बॉन्ड हो में से कोई भी एक किया मैंने, तो यहां पे कार्बन है, ये ऐसे होगा, तो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज बनाया देगा, ये नेगेटिवली चार्ज, यानी यहां से जो सोडियम प्लस आएगा वो नेगेटिवली के साथ अटैच होगा, बाय प्रोडक्ट मिलेगा RCOONa। तो पहले हम लोग बाय प्रोडक्ट लिखते हैं माइनस RCOONa, वही बाकी क्या बचा COR, तो ऑक्सीजन के पास आएगा और सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा फिनाइल एस्टर OCOR। तो ये बन गया फिनाइल एस्टर। दोनों रिएक्शन में आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलता है, रिएक्टेंट हमने डिफरेंट डिफरेंट यूज किए। अभी इसके एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स भी कॉमन ही है कि R के बराबर मैंने CH3 ले लिया, यहां पे भी R के बराबर CH3 ले लो। सेकेंड एग्जाम्पल सेम, इथाइल ग्रुप ले लो, तो सेम ही रिएक्शन आपको मिलेगी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि मान लो मेरे पास है एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, बाय प्रोडक्ट सेम ही होगा, बट यहां पे आपको मिल जाएगा CH3। और अगर ऐसा मिलता है बेंजीन के ऊपर COOCH3, तो हमें पता है CH3 COO माइनस आयन को हम लोग कहते हैं एसिटेट आयन, तो इनका नेम होगा फिनाइल एसिटेट। सेम चीज आपको यहां पे भी मिलेगी कि मैंने यहां पे ले लिया मिथाइल ग्रुप CH3CO ट्वाइस, यहां पे कर दिया CH3, यहां पे भी हो गया CH3, तो COCH3 अटैच होगा, COCH3 अटैच हुआ, फिनाइल एसिटेट, सेम ही स्ट्रक्चर, सेम प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट के अंदर रिलीज होगा CH3COONa, सोडियम एसिटेट। तो ये हो गए स्टूडेंट्स फिनाइल एस्टर बनने की रिएक्शन। नाउ सेकंड रिएक्शन, और एक रिएक्शन और एक रिएक्शन, तो जिनका नेम है मोस्ट टाइम पे रिएक्शन है, आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड रिएक्शन, तो जिनका नेम है फॉर्मेशन ऑफ एराइल इथर, आपको इथर बनाना है एराइल इथर, यानी बेंजीन के ऊपर OR इथर, यानी ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप बीच में होगा,
तो एराइल ईथर बनाना है। अनदर नेम ये वाले रिएक्शन का क्या है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पूछ लेते हैं। तो ये रिएक्शन का नेम है विलियमसन सिंथेसिस, इसे कहते हैं हम लोग विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथर। इथर के प्रिपरेशन के लिए एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो सिंपल सा रिएक्शन है कि पहले कॉमन रिएक्शन फिनॉल NaOH रिएक्शन माइनस वाटर, क्या मिलेगा? सोडियम फिनोक्साइड। ये तो अपना कॉमन स्टेप ही है। अभी यहां से एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस या एराइल ईथर बनाना है तो यहां पे आपको एडिशन करना पड़ेगा हेलो अल्केन, और हेलो अल्केन यानी RX, यहां पे आपको ऐड करना है RX। फिर देख लो ये Na प्लस है, X माइनस, तो रिलीज होगा NaX सोडियम हैलाइड प्लस अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन माइनस के पास आएगा, यानी प्रोडक्ट देगा आपको OR, बस जो आपको बनाना था। ये हो गया एराइल ईथर, फॉर्मेशन ऑफ एराइल ईथर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये स्टेप तो आपका कॉमन ही रहेगा। यहां से मैं दो रिएक्शंस आगे दिखाता हूं। फर्स्ट रिएक्शन के ड्यूरिंग मान लो हम लोग ऐड कर रहे हैं CH3I, मिथाइल आयोडाइड ऐड किया। सेकंड के अंदर CH3 CH2I इथाइल आयोडाइड ऐड किया, तो रिएक्शन के अंदर बाय प्रोडक्ट क्या होगा? Na प्लस I माइनस, NaX रिलीज हो रहा है यानी NaI। बाकी क्या बचेगा? तो बेंजीन के ऊपर O, फिर मिथाइल ग्रुप CH3, तो ये हो गया अपना इथर। इसका जो कॉमन नेम है वो एनिसोल भी कहते हैं, या इसको कह सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। इसके जो दो तीन नेम है, पहले लिख देते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। इसका नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा है तो वो आप लोग वीडियो के अंदर देख सकते हैं, आगे के वीडियो के अंदर। तो मिथॉक्सी बेंजीन हो गया। अनदर नेम कह सकते हैं कि मिथाइल है और यहाँ पे फिनाइल है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए, IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिक मिथाइल, फिर फिनाइल, फिर इथर। तो मिथाइल फिनाइल इथर भी कह सकते हैं। इनके अंदर बाय प्रोडक्ट क्या होगा? Na प्लस I माइनस यानी माइनस NaI। बाकी क्या बचेगा? बेंजीन के ऊपर O CH2 CH3। इसका जो नेम है इथॉक्सी बेंजीन, या इसे कहते हैं इथाइल फिनाइल इथर। तो ये हो गया दोस्तों विलियमसन सिंथेसिस, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एंड लास्ट एक रिएक्शन जो हम लोगों ने 11 से पढ़ते आते हैं, तो लास्ट रिएक्शन अपना है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो एक ये भी रिएक्शन देख लेते हैं। कन्वर्जन के अंदर आपको कुछ ऐसे स्टेप भी दिखाई दे तो समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन यानी फिनोल में से बेंजीन बनाना है, तो सिंपल सा एक ही स्टेप का रिएक्शन है फिनोल। फिनोल की रिएक्शन ZN डस्ट, जिंक डस्ट या जिंक पाउडर के साथ में करनी है। तो जिंक पाउडर के साथ में रिएक्शन करोगे, गरम करोगे, तो जिंक और ये ऑक्सीजन मिलके बना देंगे जिंक ऑक्साइड, जो रिलीज हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन के पास चला जाएगा, यानी आपको पूरा रिंग मिल जाएगा बेंजीन रिंग। तो ये हो गया बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, सिंपल सा सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, OH ग्रुप के कारण होने वाले रिएक्शंस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक रिंग के कारण कौन सी रिएक्शंस होती है। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट होती है, कॉलबेट स्मिथ होती है, बहुत सारी रिएक्शंस है, वो सारी इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।